जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी मणिपुर पुलिस को एमएमजी इस्तेमाल करने की देगी ट्रेनिंग। भारत सरकार की अग्निपथ स्कीम में कोई भी बदलाव करने की कोई योजना नहीं। भारत में लॉन्च हुई जॉइंट एम्फीबियस ऑपरेशन डॉक्ट्रिन। इंडियन आर्मी के कुछ ड्रोन्स में पाए गए चाइनीज कॉम्पोनेंट्स और यूएस रिसर्चर्स का दावा कि रशिया अपने इनवेंसिबल वेपन को तैनात करने के लिए तैयार। आज सिक्किम से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां एक सड़क दुर्घटना में हमने अपने 4 आर्मी पर्सनल को खो दिया, जो कि वेस्ट बंगाल से सिक्किम की तरफ जा रहे थे। और रिपोर्ट के मुताबिक उनका व्हीकल रोड से स्किड करके करीब 700 से 800 फीट नीचे गहरी खाई में जाकर गिरा। और इसमें सवार इस व्हीकल के ड्राइवर प्रदीप पटेल, जो कि मध्य प्रदेश से थे, क्राफ्ट्समैन डब्लू पीटर, जो कि मणिपुर से थे, नायक गुरसेव सिंह, जो कि हरियाणा से थे, और सूबेदार के थंगा पंडी, जो कि तमिलनाडु से थे। हमारे इन चारों वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और हमारे सभी जवान वेस्ट बंगाल के बिना गुड़ी की यूनिट में तैनात थे। और ये हादसा सिक्किम के पाकयोंग जिले में हुआ है। बाकी इस दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन चारों वीरों की आत्मा को शांति मिले। बाकी एक अपडेट ये सामने आया है कि मणिपुर पुलिस ने 7.62 mm की MMG को इस्तेमाल करने के लिए अपने पर्सनल की ट्रेनिंग के लिए इंडियन आर्मी को अप्रोच किया है। और मणिपुर पुलिस द्वारा ऑर्डनेंस फैक्ट्री जबलपुर से खरीदी गई जो MMGs हैं, तो उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो इस चीज़ की ट्रेनिंग आर्मी मणिपुर पुलिस को देगी। आप सभी को ध्यान होगा, कुछ समय पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिन्हें बताया गया था कि भारत सरकार अग्निपथ स्कीम में कुछ जरूरी बदलाव करने पर भी विचार कर रही है। और जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बदलावों को लेकर इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से भी कुछ सुझाव सरकार के साथ साझा किए गए थे। और इन बदलावों में दो सबसे बड़े बदलाव थे। पहला, अग्निपथ स्कीम के 4 वर्षों के कार्यकाल को बढ़ाकर करीब 7 से 8 वर्षों तक किया जाए। और दूसरा बड़ा बदलाव यह था कि 4 वर्ष के सर्विस के बाद 25% अग्निवीर परमानेंट कैडर के लिए चुने जाएंगे, तो इस वाले प्रावधान में इस परसेंटेज को 25 से करीब 50% तक बढ़ाया जाए। लेकिन इन सारी उम्मीदों में पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें इस मामले से जुड़े हुए टॉप ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि फिलहाल अभी भारत सरकार की इस अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम में कोई भी बदलाव करने की कोई योजना नहीं है। क्योंकि ऑफिशियल्स का मानना है कि अगर इसमें किसी भी तरह के बदलाव होते हैं, तो फिर स्कीम के माध्यम से जो भी हमने अचीव किया है वो सारा व्यर्थ हो जाएगा और इससे भारत की सिक्योरिटी इंटरेस्ट खतरे में पड़ेंगे। ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि जो अग्निपथ स्कीम है, उसे खास तौर पर चीन को काउंटर करने वाली स्ट्रेटजी के तौर पर तैयार किया गया है। आर्मी को टफ माउंटेन कंडीशंस में युद्ध लड़ने के लिए यंग मैन पावर की जरूरत है, और जबकि अभी जो आर्मी के इन्फेंट्री सोल्जर्स की एवरेज एज है वो 29 है और आर्मी उसे 21 के आसपास तक लाना चाहती है। 2020 की जो गलवान घाटी वाली झड़प थी, उसने उस तरह से लड़ाई को स्पष्ट रूप से चित्रित किया जो देश की सबसे दूर की सीमाओं की रक्षा के लिए दुश्मन से निपटने और उसे पीछे धकेलने के दौरान छिड़ सकती है। और इसलिए ऑफिशियल्स का कहना है कि इन्फेंट्री की एवरेज एज को नीचे लाने के लिए केवल 2 ही तरीके हैं, या तो शॉर्ट टर्म इंडक्शन या फिर कॉन्स्क्रिप्शन, यानी कि भर्ती। लेकिन उनका यह कहना है कि भारत जैसी जगहों पर जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहां पे हमें कॉन्स्क्रिप्शन यानी कि भर्ती की जरूरत नहीं है, जैसे कि इसराइल करता है। तो इसलिए अग्निपथ के माध्यम से ही शॉर्ट टर्म इंडक्शन को सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे आर्मी की एवरेज एज कम की जा सके। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में एक ऑफिशियल के हवाले से भी बताया गया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस की एज प्रोफाइल को कम करने का जो डिस्कशन है वो अभी से नहीं बल्कि कई दशकों से चल रहा है, लेकिन इसको संभव बनाया जा सके तो ऐसी किसी ने भी पॉलिटिकल विल आज तक नहीं दिखाई थी। और उनका ये कहना है कि भारतीय सैनिकों की एवरेज एज ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है, जो कि चिंता का विषय है। और बाकी इस पर आपके जो भी विचार है, आप उसे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। लखनऊ में आयोजित जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के आज दूसरे और फाइनल डे पर भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इवॉल्व होते हुए जॉइंट मिलिट्री विजन और भविष्य के चैलेंजेस के लिए तैयारी करने पर जोर दिया है, और खास तौर पर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डोमेन में अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए भारतीय रक्षा मंत्री की तरफ से आह्वान किया गया। और भारतीय रक्षा मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है और शांति बनाए रखने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के एर्सनल में ट्रेडिशनल और मॉडर्न वॉरफेयर इक्विपमेंट के एक राइट मिक्स को आइडेंटिफाई करके शामिल करने की जरूरत है। इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्री ने रशिया, यूक्रेन और इसराइल हमास के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स, बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति, तो इन सभी का उल्लेख करते हुए मिलिट्री कमांडर्स को इन घटनाओं का विश्लेषण करने और भविष्य में देश के सामने आने वाली समस्याओं को प्रिडिक्ट करने और उससे निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो भारतीय रक्षा मंत्री ने अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को भी डील करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने उत्तरी सीमा पर स्थित और पड़ोसी देशों में होने वाली घटनाओं के मद्देनजर टॉप मिलिट्री लीडरशिप द्वारा एक ब्रॉडर और डीप एनालिसिस करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए चुनौती पैदा कर रहे हैं।
और ऐसे भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि आज के कॉन्फ्रेंस में भारतीय रक्षा मंत्री ने एक जॉइंट एम्फीबियस ऑपरेशंस के डॉक्ट्रिन को भी रिलीज किया है। अभी हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने भारत की डोमेस्टिक कंपनीज द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस को सप्लाई किए गए कुछ ड्रोन्स में एक बहुत बड़ी समस्या पाई, और वो समस्या यह है कि आर्म्ड फोर्सेस को जो ये ड्रोन्स सप्लाई किए गए थे उनमें से कुछ ड्रोन्स में चाइनीज कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। और फिर इसके बाद भारत के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने इंडस्ट्री बॉडीज को एक लेटर भेजा और जिसमें मैन्युफैक्चरर्स को ड्रोन बनाने के लिए चाइनीज स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों से सामान खरीदने से सावधान रहने के लिए कहा गया है। और आर्मी डिजाइन ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर जनरल का कहना है कि आर्मी चाइनीज पार्ट्स को खत्म करने के तरीकों को एग्जामिन कर रही है, और जब इन तरीकों के बारे में उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि इसके लिए एक एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी अपनाई जाएगी, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट में चाइनीज पार्ट्स के होने का मतलब है कि हमारा जो डेटा है वो अवैध रूप से ट्रांसफर भी हो सकता है। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि जो इंडियन आर्मी है वो लेह में हिम ड्रोन इवेंट को आयोजित करने वाली है, जिसमें भारत की ड्रोन इंडस्ट्रीज को पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया है, और वे सभी कंपनीज हाई एल्टीट्यूड एरियाज में आर्मी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने अपने ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज को डेमोंस्ट्रेट करेंगे। और अभी हाल ही में जो आर्मी के कुछ ड्रोन्स में चाइनीज कंपोनेंट्स के पाए जाने वाला मामला हुआ है, तो उसके बाद से आर्मी ड्रोन्स की खरीद को लेकर अब और भी ज्यादा सावधानी बरतेगी। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी के जिन ड्रोन्स में चाइनीज कंपोनेंट्स पाए गए थे तो वो ड्रोन्स अधिकतर नॉर्दर्न और ईस्टर्न सेक्टर के बॉर्डर एरियाज पर डिप्लॉय किए गए। और चाइनीज कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके ड्रोन्स बनाने वाली भारत की कुछ कंपनियों के नाम जो सामने आए हैं उनमें एक नाम है दक्ष अनमैन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का, जिसको आर्मी से 200 लॉजिस्टिक ड्रोन्स का ऑर्डर भी मिला था, लेकिन फिलहाल के लिए इस ऑर्डर को अब होल्ड पर रख दिया गया है। और कंपनी को ये प्रूफ करने के लिए कहा गया कि वो अपने ड्रोन्स में चाइनीज कंपोनेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और मीडिया रिपोर्ट्स में दक्ष अनमैन सिस्टम के अलावा स्काई इंडस्ट्रीज और गरुड एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनीज के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट यह है कि भारत की साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज ने भारतीय रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट में एक ऐसे फिशिंग फ्रॉड को डिटेक्ट किया है जो कि उस ऑफिशियल वेबसाइट को मिमिक करके ऑफिशियल्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स को प्राप्त करके गवर्नमेंट के जो सेंसिटिव डेटा है उसे चुरा सकता है। और भारत की एजेंसीज ने इस तरह के दो फिशिंग लिंक्स को आइडेंटिफाई किया है, और इसलिए इससे संबंधित एक एडवाइजरी भी भारत सरकार की तरफ से अपने सभी स्टाफ के लिए जारी कर दी गई है। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि केवल भारत, चीन और ब्राजील ऐसे देश हैं जो कि इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। और रशियन राष्ट्रपति ने क्लियर किया है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर वे इन तीनों देशों के लीडर्स के साथ लगातार टच में हैं। और इतना ही नहीं बल्कि ऑफिशियल्स का मानना है कि रशिया यूक्रेन की बातचीत में ये तीनों देश मध्यस्थता कर सकते हैं, जबकि यूक्रेन के साथ बातचीत को लेकर रशियन राष्ट्रपति का कहना है कि वे यूक्रेन के साथ बात करने को तैयार थे, लेकिन उस डील के आधार पर जो कि 2022 में इस्तांबुल में रशिया और यूक्रेन के निगोशिएटर्स के बीच हुई थी लेकिन जिसे अबॉर्ट कर दिया गया था, और उस डील में किस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस थे उनको कभी भी पब्लिक नहीं किया गया। यानी कि रशियन राष्ट्रपति का क्लियरली कहना है कि यूक्रेन के साथ बातचीत करने को पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वो बातचीत उस सहमति के आधार पर होनी चाहिए जो कि दोनों देशों के बीच शुरुआत में इस्तांबुल में बनी थी। और उनका यह भी कहना था कि इस्तांबुल में यूक्रेन का पक्ष भी इस एग्रीमेंट में अपनी सहमति के लिए आमतौर पर पहुंच गया था, लेकिन फिर भी ये जो समझौता है ये पूरा नहीं हो पाया क्योंकि शायद यूक्रेन को किसी की कमांड थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और सीधी सी बात है कि रशियन राष्ट्रपति का इशारा यूएस और यूरोप के कुछ एलिट्स की तरफ है जो कि केवल रशिया की स्ट्रेटेजिक डिफीट को अचीव करना चाहते हैं। बाकी एक अपडेट यह है कि यूक्रेन के साथ जारी कॉन्फ्लिक्ट के बीच अभी हाल ही में रशिया की एक एक्सपेरिमेंटल मिसाइल जिसका नाम है बुर्वेस्निक और जिसे नेटो ने नाम दिया है SSC-X9 स्काईफॉल, तो एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि इस मिसाइल की एक यूनिक बात यह है कि इस मिसाइल में एक न्यूक्लियर पावर्ड प्रोपल्शन सिस्टम देखने को मिलता है, और ये क्रूज मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी करती है। और इस मिसाइल को रशियन राष्ट्रपति ने सबसे पहले 1 मार्च 2018 में अनवील किया था, और इसे रशिया का एक इनविंसिबल वेपन भी कहा जाता है। और इसी वेपन को लेकर यूएस रिसर्चर्स ने हाल ही में क्लेम किया है कि उन्होंने कुछ ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई किया है जहां पर रशिया अपने इस डेडली वेपन को डिप्लॉय कर सकता है, और इसलिए रशिया के इस वेपन के संभावित डिप्लॉयमेंट वाले दावे को लेकर ये मिसाइल एक बार फिर से चर्चा में। बाकी इस मिसाइल में एक मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है जो कि थ्योरेटिकली इस मिसाइल को काफी लंबी दूरी तय करने में मदद करता है, लेकिन ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1965 के वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट सुरेंद्र पाल सिंह सैखों वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि AK-203 असॉल्ट राइफल्स भारत में किस जगह पर मैन्युफैक्चर हो रही है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें,
हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।